Hello friends, I am Rajiv and welcome to my channel EVERBRIGHT यानी Modern Experiment and Technology पे। So friends, आज हम और एक interesting topic के ऊपर बात करेंगे। आज हम electrical control panel के ऊपर बात करेंगे। बात नहीं करेंगे, आज हम electrical control panel को practically देखेंगे, उसके अंदर क्या-क्या equipment हम use करते हैं, उसको भी देखेंगे और उसका जो arrangement होता है, कैसे वो panel तैयार हुआ है, कैसे उस panel में power distribution होता है, वो सारे हम आज देखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जहां पर भी आप स्किप करेंगे वहां से आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने जैसे कहा था वैसे ही है ये पैनल। आप लोग इस पैनल को देख रहे हैं तो देखिए, पहले पैनल डिजाइन को आपको दिखा देते हैं। इस पैनल में ये इनकमर का पल्ला है, ये जो पल्ला आप देख रहे हैं ये इनकमर है, यहाँ पर एमसीसी भी लगा हुआ है और ये जो देख रहे हैं ये इनकमर की लाइटिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये और मीटर, ये वीएफडब्ल्यू मीटर है। ठीक है, इसमें एम मीटर मतलब हम करंट भी देख सकते हैं, वोल्टेज भी देख सकते हैं और क्या एनर्जी है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों फेज इंडिकेटिंग लैम्प है आर वाई बी, और यहाँ पर है देखो ऑन ऑफ और ट्रिप। ठीक है, ये बेसिक सी ट्रिप इनकमर की एक बेसिक सी चीज़ है। देखो सिर्फ ये इनकमर है, एकदम ये इनकमर है। अब आती है बारी किसकी, अब आती है बारी ये फीडर की। यहाँ पर तीनों स्टार डेल्टा फीडर है, आप देख रहे हो ये बहुत बड़ा पैनल है। देखो यहाँ पर तीनों स्टार डेल्टा फीडर है तीनों। ठीक है, तीनों स्टार डेल्टा फीडर में क्या अरेंजमेंट है, देखो तीनों स्टार डेल्टा फीडर में यहाँ पर है ये एमीटर है और एमीटर के नीचे एमीटर सिलेक्टर स्विच होता है। ठीक है, एमीटर सिलेक्टर स्विच, और ये है ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच जो प्रेशर होने के बाद जो कम करता है ना, ये ऑटो मैनुअल प्रेशर स्विच। यहाँ पर अगर ऑटो में करके रखोगे, एक पे ऑटो है तो एक पे ऑटो है, ऑटो करके रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। प्रेशर स्विच से इसकी लिंक होता है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। ठीक है, कनेक्शन होता है। अब ये मैनुअल, दो पे मैनुअल है, अगर मैनुअल करके रखोगे तो ये स्टार्ट स्टॉप जो पुश है इन लोगों से ये इससे ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हुआ, और ये रहा MCCB जो इसकी मेन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर आपको ये ऑन कर देंगे तब ये क्या होगा, मेन से ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर मीटर पे आ जाएगा और यहाँ पर ऑफ लैंप आएगा। ऑफ लैंप आएगा तब जब यहाँ के हम इस कंट्रोल को ऑन करेंगे। यहाँ पर देखो एक MCCB है जिसके हम कंट्रोल को ऑन करेंगे तब यहाँ पर ऑफ लैंप आएगा। तो इसको मैं बाद में बताऊँगा, पहले हमको इसकी डिज़ाइन आपको दिखा देते हैं। देखो तीनों से हैं, तीनों हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बस बार चेंबर है, ये भी एक बस बार चेंबर है जहाँ से ये क्या होता है कि इन तीनों जो, ठीक है, ये जो तीन लोग, ये जो तीन फीडर है, इन तीनों फीडर में ये जो बस बार की अरेंजमेंट किया गया है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर से, अगर मैं नीचे से आपको दिखाऊँगा, ऐसे दिखाऊँगा तो आप देख सकते हो कि पहले ब्लैक है, फिर रेड है, फिर येलो है, फिर ब्लू है, तो ऐसे ये फेस सिक्वेंस के हिसाब से ये किया गया है। तो ठीक है, और यहाँ से आप देखो दो दिख पे दो फीडर है। ठीक है, सारे फीडर में यहाँ से लाइन जा रहा है, देखो ऊपर से नीचे से होकर के सारे फीडर पे ऐसे लाइन जा रहा है, सारे फीडर पे। ठीक है, एकदम नीचे वाले फीडर पे भी लाइन जा रहा है। ये जो यूज़ किया गया है ये, इसको कहते हैं इंसुलेटर, ये इंसुलेशन के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि बात ये लोहे की बॉडी है। ठीक है, लोहे की सीट से बना हुआ बॉडी है तो यहाँ पर बासबार नहीं रहना चाहिए, बासबार तो इंसुलेशन के लिए ये इंसुलेटर लगा गया है। ठीक है, इंसुलेटर लगाया गया है। और आप जो ये देख रहे हैं ना, ये एलुमिनियम बासबार है, देखिए ये एलुमिनियम बासबार है। ठीक है, ये एलुमिनियम बासबार है और एलुमिनियम बासबार के ऊपर ये जो है ये स्लीविंग किया गया है। ठीक है, जो कलर की स्लीविंग किया गया है, देखो ये ब्लैक है तो न्यूट्रल है तो ब्लैक कलर की स्लीविंग है, जो रेड है तो रेड कलर की स्लीविंग है, जो येलो है येलो कलर की, जो फेज है मतलब ब्लू है उस ब्लू कलर की, मतलब तीनों फेज को तीनों कलर से स्लीविंग किया गया है। और ये किया गया है इंसुलेशन के जरिए। ठीक है, जब यहाँ पर आप करेंट फ्लो होगा तब यहाँ पर आप हाथ देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस जगह पर देखो स्लीविंग नहीं है। क्यों नहीं है इस जगह पर स्लीविंग नहीं है? क्योंकि यहाँ से लाइन अंदर जा रहा है। ठीक है, इस जगह पर स्लीविंग है, इस जगह पर नहीं है, इस जगह से स्लीविंग नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर से लाइन अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये वीडियो है। और भी बहुत चीज़ है इस पैनल में, देखो यहाँ पर, देखो पैनल के ऊपर जो देख रहे हो ये दोनों पैनल एक साथ जुड़ा हुआ है। देखो वहाँ से, देखो वहाँ ऊपर, देखो जैसे हुक लगा हुआ है, ये एक पैनल है। ठीक है, और ये एक पैनल है, मतलब ये दोनों ही एक ही पैनल है, ये दोनों पैनल को अलग करके रखा गया है, मतलब एक साथ अलग, इसको कहते हैं कपलिंग। ठीक है, ये कपलिंग है। ठीक है, देखो कपलिंग पे क्या होता है, कपलिंग पे भी इसकी जो बासबार है, इस बासबार को देखो
ऐसे ही अरेंजमेंट से इसके साथ ऐसे ही देखो, ऐसे ही ये दो बासबार पे ऐसे ही जुड़ा गया है, ठीक है। ऐसे ही ये पूरा पूरे एकदम से पूरा एकदम से ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। पूरा पूरा एकदम से ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आप देख रहे हो ये कैसे काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर सिंपल एक स्टार्टर फीडर है, एकदम सिंपल से एक स्टार्टर फीडर है जहाँ पर MCB है। मैं बाद में आपकी वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा और इसकी साड़ी ये कैसी काम कर रहा है, इसकी जो सर्किट है इसमें कौन कौन से चीज यूज हो रहा है, कैसे कैसे मटेरियल हमने यूज़ किया है, सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो में बने रही है, ठीक है। ये MCCB है, इसको जो कहता है ना ये वाला, इसको बैरियर कहता है, ये फेस बैरियर कहता है, ठीक है। इसको फेस बैरियर कहता है, देखो फेस बैरियर तीनों फेज को अलग करके रखा हुआ है, ठीक है। ये फेस बैरियर कहता है, ठीक है, इन लोगों को फेस बैरियर कहता है। अब चलिए MCB को देखते हैं, MCCB हो गया। अब इसके बैक साइड देखिए आप, कितना इंटरेस्टिंग है ये, देखिए इसकी बैक साइड पे देखिए, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है इसकी। देखिए यहाँ पर आते हैं प्रॉपर पे, जो जो फीडर से वहाँ से निकल के आया है, हमें ये क्या है आप देख रहे हैं, ये जो चारों बासबार है, चारों बासबार है, यहाँ पर जो बासबार से, यहाँ पर जो बासबार, ये क्या है, ये बासबार से कनेक्शन है, ये आउटगोइंग है, समझ रहे हो, आउटगोइंग एकदम पीछे अलग से है। तो आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा ये पर केबलिंग करने में, ठीक है। केबलिंग करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए ये बाहर निकल गया है, बाहर निकला गया है, ठीक है। ऐसे ही इसके अरेंजमेंट देखो, हर एक में स्लीविंग किया गया है, तो आप आराम से समझ सकते हो कि कौन सा रेड है, कौन सा येलो है, कौन सा ब्लू है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ के पीछे से आओ तो ये चेम्बर अच्छा है, देखो ये। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर ये टर्मिनल है, ठीक है, ये टर्मिनल है, तीनों पावर टर्मिनल है ये, देखो तीनों से इसमें से आउटगोइंग निकलता है। वहाँ पर हम इनपुट दे रहे थे, ठीक है, वहाँ पर हम इनपुट दे रहे थे उस स्पीडर पे, तो यहाँ पर ये आउटगोइंग निकल रहा है, ये कंट्रोल के है, ठीक है। ये क्लिप टर्मिनल है, क्लिप ऑन, ठीक है, ये टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है, ठीक है। देखो तीनों फीडर के लिए तीनों टर्मिनल्स। अब आपको दिखाएंगे हम CT को, ये रहा हमारे करेंट ट्रांसफॉर्मर, ओके। तो ये रहा हमारा करंट ट्रांसफार्मर, आप इस करंट ट्रांसफार्मर को देख रहे हो, ये रहा हमारा करंट ट्रांसफार्मर जो सीधे इसके नीचे हमने ये दिखाया था, यहाँ पर MCCB है, MCCB से ये ऊपर आ गया है। अब क्या ये इस करंट ट्रांसफार्मर की काम क्या है, करंट ट्रांसफार्मर करंट को सेंसिंग करता है, मतलब इन तीनों बासवाड़ों में से कितना करंट जा रहा है ये सेंसिंग करता है, ठीक है, ये सेंसिंग करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर लगाया है, देखो सही तरह से देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम करंट ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। चलो यहाँ पर यहाँ से देखोगे तो और भी बासबार की जो अरेंजमेंट है वो आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। देखो ये है बासबार के अरेंजमेंट, ऐसे ही किया गया है, पहले ब्लैक आए थे, फिर रेड, फिर येलो, फिर ब्लू, और सब में से गैप बराबर की है एकदम। देखो ये बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। अब देखते हैं इसके अंदर ये जो फीडर है, इसके फीडर के अंदर क्या है, मतलब ये स्टार डेल्टा फीडर के अंदर क्या क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। ये स्टार डेल्टा फीडर देखो, यहाँ पर ये स्टार डेल्टा फीडर है, पूरा फीडर आपको दिख रहा है, ठीक है, भी है, यहाँ से इनपुट आएगा, ठीक है, यहाँ से इनपुट आता है और ये CT होकर, ये देखो ये CT होकर सीधे जाकर हर ये जो कॉन्टैक्टर है, ये मेन कॉन्टैक्टर होता है, ठीक है, ये मेन कॉन्टैक्टर पर आता है, एकदम मेन कॉन्टैक्टर पर, फिर और ये स्टार होता है डेल्टा होता है, मतलब मेन डेल्टा स्टार्ट या स्टार्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये भी एक है, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, ठीक है, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, यहाँ पर स्टार मेन स्टार्ट डेल्टा है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये कंट्रोल के लिए है, ये कंट्रोल वाले MCB है, और यहाँ पर जो देख रहे हो ये टाइमर है, LNT के टाइमर है, ये टाइमर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम इस टाइमर को यूज़ कर रहे हैं सेंसिंग के लिए, ठीक है। ये क्या काम करता है, देखो ये टाइमर क्या काम करता है, जब ये डेल्टा स्टार ऑन होता है, ठीक है, मेन और स्टार एक साथ ऑन होता है, स्टार डेल्टा फीडर में क्या होता है, मेन और स्टार एक साथ ऑन होता है, उसके बाद हम ये टाइमर पे सेटिंग करके रखते हैं कि इतने सेकंड बाद डेल्टा अपने आप ऑन हो जाएगा, ठीक है, फिर स्टार को छोड़ देता है और मेन और डेल्टा रन करने लग जाता है। तो ऐसे ही ये स्टार डेल्टा फीडर है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं पावर कॉन्टैक्टर, ये जो कॉन्टैक्टर यूज किया है वो है ना, हमने पावर कॉन्टैक्टर कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, एक्सिलरी कॉन्टैक्टर, ठीक है। ये टाइमर है, यहाँ पर CT लगा हुआ है, देखो CT लगा हुआ है, ये जो चीज़ है ये ओवरलोड रिले है भाई,
ठीक है, ये क्या है, ये ओवरलोड रिले है। देखो आप देख रहे हो या नहीं देख रहे, ये जो चीज़ है ये ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले की सेटिंग भी यहाँ पर हुआ है कि आप यहाँ पर सेटिंग भी कर सकते हैं, मतलब इसकी फुल लोड करंट के हिसाब से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। ये ट्रिपिंग फैसिलिटी के साथ भी मिलती है, यहाँ पर ट्रिप भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है इसका है, इसके एड ऑन कहते हैं, ये जो ऊपर ठीक है कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर ये लगा हुआ है इसको एड ऑन कहते हैं। ये दो सब एड ऑन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप साइड में ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही ये काम करता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो आओ, ये जो लैंप है, ये तीनों लैंप पे कोई बटन नहीं, ये मीटर है और सिलेक्टर स्विच के पीछे, सिलेक्टर स्विच ऐसे दिखता है, देखो ऐसे दिखता है, इसमें इंडिकेशन किया हुआ रहता है। ये एमीटर की सिलेक्टर स्विच है, इसलिए R, R, Y और इधर पे है शायद B। हाँ देखो ये B, ये रहा B, ये लूपिंग हुआ है तो ये रहा B, देख रहे हो, देख पा रहे हो, ये रहा बी, ये एमीटर की है, ठीक है। ये देखो ये वोल्ट मीटर की है, ठीक है, नहीं ये वोल्ट मीटर की नहीं है, ये ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच है, इसलिए A1, B1, A2, B2 यहाँ पर हुआ है। ये जो देख रहे हो ये पुश बटन है, देखो पुश बटन है। अब हम अगर जब इसको पुश करते हैं तब क्या होता है, इसके जो कॉन्टैक्ट है वो लग जाता है, इसका जो कॉन्टैक्ट होता है ना, हम अगर इसको देखो सही तरह से इसको देखो, हम अगर इसको पुश कर रहे हैं तो इसका जो कॉन्टैक्ट है ये लग जाता है। कैसे पुश करते हैं, पुश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पुश बटन के पीछे वाला हिस्सा ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। तो आप इसको अगर पुश करोगे तो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर ये अच्छी तरह से देखिए कॉन्टैक्ट लग जाता है, मतलब अब ये जो कॉन्टैक्ट यहाँ पर आता है और इसके इसको फिकर जाए जब से यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही ये काम करता है, ये पूरा चीज़ ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पर सारे स्टार डेल्टा फीडर ही है, तो आपको दिखाने की नहीं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर बेसिक सी ये जो फीडर है ये बेसिक सी ऐसे ही स्टार्टर फीडर है, देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही है। और यहाँ से देखो MCB के अंदर कॉयल लगाया जाता है, ये ट्रिपिंग, ठीक है। MCB के अंदर एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है जो ट्रिप करने के हिसाब से काम पे लगाया जाता है। उसको लगाने के लिए इस MCB की ये जो हैंडल होता है, ये हैंडल खोलना पड़ता है और फिर यहाँ पर लगाता है। MCB को ट्रिप कहाँ से करवाते हैं, देखो यहाँ से MCB को ट्रिप करवाते हैं, MCCB है, और यहाँ से MCCB को ट्रिप करवाते हैं। और MCCB में यहाँ से जो होता है ना, यहाँ से देखो इसको, इस कवर को हटा के यहाँ पर लगाना पड़ता है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट थोड़ा यहाँ पर एक एक्सिलरी ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट होता है, ये लगाना पड़ता है क्योंकि इसकी वजह से हम यहाँ से इस ट्रिप लैंप पे कनेक्शन आती है, ठीक है। तो यही है जनरल अरेंजमेंट। तो मैंने आपको कोशिश किया कि सारी चीज़ जो है अच्छी तरह से दिखाने का, और मैंने ये भी कोशिश किया कि सारी जो चीज़ है इसको क्या कहते हैं वो भी बताने का। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप सभी लोग कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, हम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर और भी वीडियोस ले आने वाले हैं, तो उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, न्यू ईयर पे इस चैनल पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। क्या होगा कि इस चैनल पे न्यू ईयर से एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी अपलोड होने लगेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।